रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या सोचा रे कदम, मालूम नहीं गिरेगा मेरे को। मम्मी, ये पुलिस वाले का बोई कुछ अलग होता है, एकदम मरा हुआ कुत्ता माफिक। ए कदम, स्टैंड बैक। फाइंड अबाउट, ये राउंड तुम्हारा। नाइस मूव। अब बताओ क्या चाहिए? वो क्या है बख्शी साहब, अपन को सोचने के लिए जरा जगह मांगता है, लेकिन अब तुम लोग यहाँ पे आके गर्दी मचा रहे, लाए तो पहले यहाँ से बाहर। अभी फिर डील होगा फोन पे। चलो पीछे, कदम पीछे, एक कदम, कम ऑन आउट, चलो पीछे। ऐसे डर रहा था तू याकूब। क्या बोला मैं, ये कदम ऐसे भोंकता है, काटने के लिए भी परमिशन मांगता है इन मामू लोगों को। कदम कदम कदम, स्टॉप इट, स्टॉप इट कदम, स्टॉप इट। बोसले तो बाहर ले जा रहे, आउट। अगर पुलिस वाला तुम्हारी कस्टडी में मर गया तो उसका मतलब समझ रहे हो? और अगर पुलिस वाला पुलिस की गोली से ही मर गया तो? प्रूफ क्या तुम्हारे पास? न्यूज बनाते आज अपन तेरा। बोलो, कल फॉर के माफे एक 9 बजे के न्यूज में दिखा दे, जरा दुनिया वालों को भी पता चले इंस्पेक्टर कदम का कारस्तानी। ओके फाइन, ठीक है, प्लीज इसे या तो हमारे साथ बाहर भेजो या तो एक डॉक्टर को कम से कम अंदर आने दो। क्या बख्शी साहब, हिंदी पिक्चर अपन भी देखता है, बाहर पुलिस वाला डॉक्टर के भेस में अंदर आएगा और फिर बैंग बैंग। ओके फाइन, तुम्हें बताओ क्या करें। अपन की बीवी मनस्वी जेल में इस वक्त, वो तुम्हारा कदम वो उसको लेके गया, अपन की बीवी वहां से रिहा होगी और ये यहां से रिहा होगा। ठीक है समझो, तुम्हारा काम हो गया, अब प्लीज इसे हमारे साथ बाहर जाने दो। अरे अलीबाग से आला समझाए क्या बख्शी साहब, पुलिस के जबान पर किसका भरोसा है? अपन का आदमी पहले बाहर जाएगा, फिर अपन को कॉल करेगा कि अपन की बीवी रिहा हो चुकी है, सिर्फ तभी जिसको डॉक्टर नसीब होगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, ये मर गया तो फिर तुम्हारी बीवी मनस्वी वो वापस अंदर जाएगी जेल में हमेशा के लिए। बोलो मंजूर है? मंजूर है। अपनी बीवी को बचाने के लिए पुलिस वाले की जान का रिस्क ले रहा था, जैसे धंधे के लिए कभी रिस्क लिया था। एक आदमी के मर्डर के लिए पकड़ा जाता तो जेल नहीं सीधा फांसी मिलती। ऐसे देखने से नहीं खुलेगा, हटाओ जाकर। ठीक है सर। तो पता करो इस एरिया का एसएचओ कौन है साला, और नौकरी जाएगी किसी की। मैंने मिनिस्टर नारायण शंकर और लाला के बीच हुए काली कलोच का फायदा उठाया और मिनिस्टर को मरवा दिया। इल्जाम लाला पे ही आना था, अब लाला के पास बंबई से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पुलिस का कहना है कि मिनिस्टर नारायण शंकर मर्डर में कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन उनके हाथ लगी है, जिससे ये जाहिर होता है कि इस हत्या में मस्तान लाला गैंग का हाथ है। This time they've gone too far. वक्त आ गया है मुंबई अंडरवर्ल्ड को जड़ से उखाड़ फेंकने का। आज शाम तक आपके पास लाला और मस्तान के नाम का वारंट होगा और मुझे रात तक वो दोनों जेल की सलाखों के पीछे चाहिए। सर, अभी अभी इंफॉर्मेशन आई है, मस्तान बैंकॉक के लिए निकल गया। Damn it. लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि लाला यहीं पे। तुम दोनों अपनी अपनी टीम को तैयार करो, लाला के नाम का वारंट आते ही रेड होगी। लाला मुझे आज चाहिए, जिंदा या मुर्दा। Is that clear? Sir. लाला भाई, माहिम पुलिस स्टेशन से फोर्स निकल गई है और सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से भी बाकी फोर्स आ रही है।
एक घंटे में यहाँ पुलिस ही पुलिस होगी। लाला, ये तुम्हारे पासपोर्ट और टिकट, सारा इंतजाम हो गया। हम दो अलग गाड़ी में एयरपोर्ट जाएंगे और दो अलग एयरपोर्ट से बैंकॉक। खुदा खुदा हाफिज। आज से बंबई का सारा धंधा तू संभालेगा। मस्तान भाई बोले मुझे, नवाब पे भाइयों जैसा भरोसा है। अपन लोग जा रहे मगर धंधा बंद नहीं होना चाहिए। नहीं भाई नहीं, अपने इस बॉलीवुड को एकदम हॉलीवुड बनाने का। शुक्रिया भाई। और सुन, ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं, खास कर ये छोकरी लोग, समझाना नवाब भाई। और अपने सारे पंडित लोग को लेके आने का, अगले हफ्ते भाई बहुत बड़ा होटल खोल रहा है बैंकॉक में, और प्रदीप को बोलना एकदम फ्रेश आइटम, समझे? बाकी बात उधर करते हैं, मिलता हूँ हीरो। भाई शुक्रिया भाई, मस्तान भाई की पहली महबूबा है बम्बई, हीरोइन बना के रखेगा, वादा ही। लाला अपने जलते घर की चाबी अपुन को देके गया था, पर आग बुझाने के बाद भी घर तो लाला का ही होगा। अब एक ही रास्ता था कि लाला के घर के ऊपर अपुन अपना महल खड़ा करे, जिधर सारा बम्बई अपुन को सलाम बोलने आएगा। सलाम हीरो। सब खाली है। कहां मर गए सबके सब? लगता है अभी भी भाग गए। सर मुझे लगता है पहले से ही टिप था इनको। 3 घंटे पहले वारंट इशू हुआ है। How the hell did they find out? भोसले सर, सारे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट सबके सब लॉकडाउन करो अभी के अभी। सर इस गैंग का एक एक ठिकाना छान मारो। जमीन खोदो या आसमान खोदो, मेरे को ये गैंग चाहिए हर हाल में। सिंधे तो इकड़े बग। जी साहब। मोरे वहां देख, कोनों में देखो क्या है। सर ए, दो गाड़ी के हवलदार उधर के अपनी माँ का यार ढूंढ रहा है। मोरे तू फुड़े जा। अबे गांडू, तेरा हफ्ता टाइम पे काय को नहीं आ रहा है? अगर इस हफ्ते तेरा हफ्ता नहीं आया ना तो मैयत निकलेगी तेरी। अबे पाटिल को फोन लगा ना। अपने सब अड्डों पे पुलिस रेड कर रही थी, पर मेरे हीरो वाले दिमाग ने धंधा रुकने नहीं दिया। बस नया ऑफिस ढूंढ लिया जो पुलिस कभी नहीं ढूंढ पाती। क्या रहा इधर? अरे कट 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 कट, क्या हुआ साहब? स्टूडियो है, शूटिंग चल रहा है और क्या? भाई लोग का फिल्म है ये। क्या बात कर रहे हो साहब, मैं खुद कर रहा हूँ पिक्चर को प्रोड्यूस। शक्ल से भाई लगता हूँ क्या? एक पैसे का पाप नहीं अपने पिक्चर में। ए जगन,
वो इनको लिखा पड़ी कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ जरा। हाँ साहब आप देख लो तसल्ली के लिए। सब आओ ना, आपको चाइना से देता सबको। आ जाओ आ जाओ, शॉर्ट चल रहा है, सॉरी सॉरी, शॉर्ट चल रहा है। आ जाओ आ जाओ। मान गए नवाब भाई, क्या दिमाग लगाया है, पुलिस के नाक के नीचे अपना ऑपरेशन चालू है और ये एड़े शूटिंग समझ के निकल लिए। ए चलो रे दुकान शुरू करो। साला नाड़ा इनका ढीला होता है और अंदर घुस जाता है अपना 15 खो का। घुसा किसका है दादा भाई? हे रत्नाकर ठिकाना इसे। ये देख सूरज कपूर और रिद्धिमा चोपड़ा मस्त जोड़ी है, 4 सुपरहिट फिल्म दे रहा, पर ये पर्दे का आग बिस्तर पे उतर रहा है। खेल खराब हो गया है, इसका बीवी है ना शिल्पी सूरज का, उसको भनक लग गया है, डर गया है चिकना, कह रहा है रिद्धिमा के साथ फिल्म नहीं करेगा। क्या कहते हैं इमेज, इमेज का सवाल है। थोड़ा टाइम दे दो भाई, ये सूरज तो क्या इसका बाप भी पिक्चर करेगा और एक नहीं 3 पिक्चर का डील करेगा अपन। क्या भंगास कर रहे, मन नहीं लगता अपना धंधे में नवाब भाई। अरे ये रोज का जिक-जिक मगजमारी अपन में जमता नहीं है, अपन को अपने बाकी सर दर्द को संभालने का है। तो ये सर दर्द अपन को दे दो भाई, अपन संभाल लेगा, अपन प्रोड्यूस करेगा ये ब्लॉकबस्टर को मस्तान के नाम से। वो अब मुझ पे छोड़ दो भाई, नाम किसी का भी हो, काम और दाम दोनों आपका होगा। पर भरोसा कर रहे हाँ, जैसा तुम लोग को दगा दिया अपने को नहीं देगा। रत्नाकर भरोसा मांगने का नहीं, नापने का आइटम है। साले नवाब तो मस्तान का ही चाहती है नहीं है। दारू पिला इसको। हेलो कौन हो तुम और ये सब क्या है? मैं ट्रिपल थ्रेट, सिंगिंग एक्टिंग डांसिंग, जो तीनों में माहिर हो उसे हॉलीवुड में ट्रिपल थ्रेट कहते हैं। मैं ट्रिपल थ्रेट, मैं लैला। मैंने सुना आप अपनी नई फिल्म की कास्टिंग कर रहे हो, नई हीरोइन ढूंढ रहे हो, मेरे बारे में क्या ख्याल? क्या है ना कि इस फिल्म के लिए उनको Established नाम चाहिए। ओहो, मैंने तो सुना बहुत पावरफुल हो प्रदीप जी, नए लोगों को चांस देते हो। वो तो है। लैला, बैंकॉक के अंदर एक होटल की ओपनिंग है, जाओगी? हाँ। बड़े बड़े नामचीन लोग आने वाले हैं, हो सकता है कि तुम किसी की नजर में आ जाओ। नजर में आना तो मुझे आता है, मगर मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगी। वही सारे आदमी होंगे वहां पे, आई होप यू कैन हैंडल देम। ऑफ कोर्स, थैंक यू। ओह, द प्लेजर इज ऑल माइन। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ हम लोगों के नए नाम हैं और नए धंधे। मैं हरुण और लाला ललित है। मस्तान भाई मंजीत, नवाब तेरा नाम यहाँ पर अली खान है। अली खान, बैंकॉक में जैसे हमने नाम बदल के सब कुछ बनाया था, इस जोसेफ ने आज पहचान बदल के
अपने पूरे प्लान की वाट लगा दी थी। बख्शी साहब, जब तक अपन अपनी बीवी और याकूब से फोन पे नहीं सुन लेता कि वो सेफ हैं, जोसेफ का खून ऐसे ही पाइता रहेगा। जल्दी से बाइक का इंतजाम कीजिए। ओके। जोसेफ के साथ अपनी बीवी को जेल से छुड़ाने का आखिरी रास्ता भी मर जाता। कुछ भी करके इस गद्दार का जान आज बचाना था।